फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय रियल नुस्खे चैनल। तो इसमें आज हम आपको बताने वाले हैं जो लोग खाना खा करके पेट में जलन और एसिडिटी की समस्या को लेकर परेशान रहते हैं। अक्सर उनके पेट में गैस और सीने में जलन की शिकायत रहती है, पेट में एसिडिटी बनती है। तो आप इस रेमेडी के इस्तेमाल से अपनी पेट की जलन को, एसिडिटी को तुरंत खत्म कर सकते हैं। हैंड टू हैंड ये रिजल्ट दिखाएगी ये वीडियो, और बिल्कुल फ्री की है और फ्री का नुस्खा है ये। तो प्लीज आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा लास्ट तक, बहुत ही अच्छे से ये वर्क करेगी। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, एक पैन ले लीजिए बस छोटा सा उसमें। तो आपको इसके बाद में आपको लेना है जो आपके घर में ये जो हरी इलायची होती है ये आप दो ले लीजिए, और इसके बाद में आपको लेना है तीन काली मिर्च, और इसमें फिर आपको लेना है ये एक लौंग, ये देखिए फूल वाला लौंग ले लेंगे हम। और इसके बाद आपको जो ये साबुत धनिया आप देख रहे हैं ना, ये फ्रेंड्स आपको आसानी से मिल जाएगा, तो हमें भी इसके तीन से चार जो है दाने इसके साबुत धनिया के ले लेने हैं। अब इसको हम हल्का सा तवे पर रखेंगे, इसको रोस्ट कर लेंगे। तो इसको हम हल्का सा बस रोस्ट करेंगे ताकि इसमें जो नमी है वो खत्म हो जाए और ये एकदम हल्के से ड्राई हो जाए, ताकि इनका कूट कर चूरन बनाने में काफी आसानी रहे। तो इस तरीके से हमने इसको रोस्ट कर लिया है, गैस को बंद कर देते हैं। इसके बाद आप एक इस तरीके की कूटनी ले लीजिए और जो हमने रोस्ट किया था वो इसमें डाल देंगे और इसको हम कूट लेंगे। तो आप इसको कूट कर चूरन बना लीजिए। तो देखिए जैसे कि हमने कूट लिया है, इस तरीके से आप भी कूट लीजिए। तो देखिए हमने एक भगोना ले लिया है और इसमें आपको पौन गिलास के करीब पानी लेना है। पानी को में डाल करके आपको जो ये हमने कूट कर चूरन तैयार किया था इसको डाल देंगे और इसको अच्छे से पका लेंगे। तो देखिए हमारे पानी में जो है उबाल आ गए हैं और ये काफी अच्छे से पक चुका है, इसको हम बंद कर देंगे। तो दोस्तों हम इसको छान लेंगे। छानने के बाद हमारा नुस्खा पीने के लिए बिल्कुल रेडी है, आपको इसको पी लेना है। दोस्तों जब भी कभी आपके पेट में जलन हो, सीने में एसिडिटी हो, जलन हो, इसकी समस्या हो, खाना अच्छे से पचता नहीं है, तो आप इस रेमेडी के इस्तेमाल से अपने पेट में जलन और एसिडिटी को जड़ से खत्म कर सकती हैं। बहुत ही अच्छा 100% इफेक्टिव घरेलू रेमेडी है ये, और बिल्कुल नेचुरल चीजों से बनाइए, कोई नुकसान नहीं देगी।